बेबी इरिटेट मत करो, थप्पड़ मार दूंगा। ओह नो, मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पूरा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ चांदी की पायल ये 56 करोड़ी है, रूप की दौलत ये बरसों में जोड़ी है। नन्हा सा दिल मेरा धड़के है सीने में पूरे। यार सुन, जब होठ से होठ मिलते हैं तो क्या होता है? यार मुझे नहीं पता, तू ही बता दे। ए साले, मुंह बंद होता है गंदी सोच वाले। बेबी आज मैं रूम में टॉवल पे थी और सासू माँ आ गई। और अब बाप रे, फिर तूने क्या किया? फिर क्या, मैंने टॉवल खोल के घूमट बना लिया। कुछ तो संस्कार होने चाहिए मुझ में। पागल है क्या, मारे क्यों? अबे मच्छर था। हाँ तो तुम्हारा खून सिर्फ मैं चूस सकती हूँ और कोई नहीं। हे भगवान, इतनी सर्दी है, या तो रजाई डबल कर दे या तो रजाई के अंदर डबल कर दे। शादीशुदा पति भले कितना ही खुददार क्यों ना हो, लेकिन सोता तो वो ससुराल के दिए हुए बेड पर ही है। हेलो, कौन? तुहार बेटा हमार कब्जा में बा, अगर अपन बेटा के सलामती चाही तो बोली ना, कितना चाही? 10 लाख 20 लाख के जितना पैसा चाही ले ली, लेकिन हमार बेटबा के छोड़ दे प्लीज। अरे इतना छोट मोट रकम से काम ना चली, हमारा के 1.5 किलो प्याज चाही, 1.5 किलो। भाई देखो, पता है मैं मेरी गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव पे क्यों नहीं लेके जाता हूँ? नहीं पता भाई। भाई एक तो मेरे पास गाड़ी नहीं है। अच्छा भाई, और दूसरा? भाई दूसरा गर्लफ्रेंड नहीं है। हे भगवान, सबके जैसा स्मार्ट पति मुझे भी दिया है ना, ये रहा है ना स्मार्ट डशिंग। पकड़ वाली
जी, आज जो आपने सब्जी बनाई थी उसमें तो पनीर था ही नहीं। एक बात बता साड़ी, कौन सी सब्जी खाई थी तूने आज? खोया पनीर। तो साड़ी, जब नाम ही उसका खोया पनीर है तो क्या घंटा उसमें पनीर मिलेगा? पनीर तो पहले ही खो गया। उसके बाद वो रोड पे गिर गया। उसके बाद खड़े हो रही 1869 में बता क्यों आया था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था जी। तू खड़े हो रही 1873 में बता क्यों आया था? जी गांधी 4 साल का हो गया था। सुनो, ये चाय की कप की प्लेट अंदर रखाओ। अरे यार डार्लिंग, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हम दोनों की जब नई नई शादी हुई थी तुम मेरे साथ कितने प्यार से पेश आती थी यार। हाँ देखो, उस वक्त मैं रामायण देखती थी। और आप? सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल। सुनो जी, आपको पता है मैं इतनी संस्कारी हूँ ना कि जब मैं पैदा हुई थी तब हाथ जोड़कर पैदा हुई थी। बस इतनी सी बात साड़ी, मैं तो इतना संस्कारी हूँ ना कि जब मैं पैदा हुआ था ना तो हनुमान चालीसा गाते हुए अगरबत्ती लेकर पैदा हुआ था। खूबसूरत होना भी एक मुसीबत है, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे सारे दोस्त इस मुसीबत से दूर है। साले कुत्ते बिल्ली जैसे लगते। ये क्या, आपने तो बोला खाने में दो ऑप्शन है, ये तो सिर्फ दाल है। हाँ तो दो ही तो ऑप्शन है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। काजल, अब तो बेबी होने वाला है, पता क्या नाम रखेगी? अगर छोर हुई तो सीढ़ी सिंगाड़ो नाम रखूंगी, अगर छोरी हुई तो सीढ़ी भिंडी नाम रखूंगी, अगर कुछ भी ना हुई तो तेरो सीढ़ो पपीतो नाम रख दूंगी, और तेरे दातन तोड़ूंगी अलग। मतलब जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो ये लोग सबसे पीछे खड़े थे। कौन सबसे पीछे खड़ा था चाचा? तुम। आई यार, कवर दे कवर दे कवर दे कवर दे, चल बैठ। हाँ चल चल, अरे मार मार इसकी, पकड़ यार उसको, पकड़ चल। अरे अबे यार, तेरी आँख कैसे सूज गई? अबे यार, कल बीवी का जन्मदिन था मेरी, उसके लिए केक लेकर आया था, उसी ने सुजा दी यार मेरी आँखें। अच्छा, वो क्यों? अबे यार साले, केक वाले से मैंने बोला कि भाई मेरी बीवी का नाम तपस्या है, साड़े ने केक पर समस्या लिख दिया, पेल दिया उसने मेरे को। अपना फोन देना। अरे देना, लॉक खोल के दे। ओह नो, मैंने अपना फिंगरप्रिंट भूल गया यार। यार कम से कम फिंगरप्रिंट तो याद रखना चाहिए। सॉरी यार, आगे से याद रखूंगा ना। ठीक है। मेहरबान कदरदान, फूट पे लग गई है हंसने हंसाने की दुकान। आ रहा है बीगो कॉमेडी महासभा का पहला सीजन। खूब हंसाया यार दोस्तों को अपने मोहल्ले में, अब हंसेगा पूरा इंडिया आपकी कॉमेडी के हल्ले से।
वीगो पे अपनी कॉमेडी से हंसाओ और अपने और अपनी राज्य का नाम देश में चमकाओ। तो वीगो ऐप डाउनलोड करो और तुरंत अपना कॉमेडी ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजो। आपके वीडियो के जितने ज्यादा शेयर उतने ज्यादा आपके चांस वीगो कॉमेडी महासभा में जाने के। वीगो कॉमेडी महासभा सिर्फ वूट पर। अरे इतनी जोर जोर से पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? अरे यार वो क्या है ना, सत्संग में गुरुजी ने बताया था कि जब भी मुसीबत सामने आए तो जोर जोर से हंसकर उसका सामना करना। यार अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? मैं न्यूज़पेपर में खबर लिखवाऊंगा। तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखवाओगे? जिसको मैंने उसकी। आज मूवी देखने चलो यार। नहीं तुम ना अंधेरे में हाथ पकड़ोगे। नहीं पकड़ूंगा बाबा, तुम पास खिसक के बैठोगे। दूर बैठूंगा यार, तुम ना किस कर लोगे। नहीं करूंगा। तो अपनी अम्मा के साथ चले जा, मेरे साथ क्यों जा रहा है।